नमस्कार, मैं सुष्मिता देव, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा। आप सबका देश की बात पर स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बोलना चाहती हूँ जिसकी वजह से देश भर में जनता त्रस्त है, वो है महंगाई। मुझे याद है वो दिन जब भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को कह रही थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। अब जरा सोचिए कि एलपीजी गैस के दाम कहाँ पहुंच चुका है, आज डीजल पेट्रोल का दाम कितनी बार ये सरकार बढ़ा चुकी है। इसके अलावा भी अगर आम जनता सोचे तो घर के काम के लिए या घर के रसोई के लिए जिस सामान का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, हर उस चीज़ का आज दाम कहाँ तक जा पहुँचा है। एलपीजी गैस के सब्सिडी को लेके देश के प्रधानमंत्री ने चुनने के ठीक बाद देश की जनता को कहा कि सब्सिडी आप छोड़ दीजिए, किसी गरीब परिवार को उसका फायदा उठाने दीजिए। बहुत सारे लोगों ने, देश के लोगों ने गैस की सब्सिडी का त्याग किया। आज क्या उन लोगों ने सोचा था कि अनसब्सिडाइज एलपीजी गैस का दाम 800 रुपए से भी ऊपर है। आज आम जनता के लिए 1000 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदना कितना मुश्किल है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो सबके सबके जीवन को इम्पैक्ट करता है और इसके लिए दोषी कौन है? भारत सरकार है। आज देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जो भारत के इतिहास में कभी। सिर्फ 2021 मई के महीने में 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। लॉकडाउन के वक्त हमने बार बार कहा कि आप न्याय के स्कीम को लागू करिए। अगर न्याय को लागू किया जाता इस देश में तो आम जनता की जेब में या बैंक अकाउंट में हर महीने 5 या 7 हजार रुपए जाते और महंगाई का जो ये वक्त चल रहा है, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, इस वक्त आम जनता उस पैसे से अपने घर को चला सकते थे। आज डीजल पेट्रोल, खाने का सामान, कुकिंग ऑयल या दाल चावल, हर चीज़ इस तरह से महंगाई बढ़ गई है कि आम जनता के लिए बहुत परेशानी बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने निर्णय लिया है कि हम पैंडेमिक के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मानते हुए देश भर में आंदोलन करेंगे, क्योंकि आज देश के लोग महंगाई के लिए बहुत परेशान हैं और उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है।